आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है रिव्यू टेक। तो मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ बॉस्च के वॉशिंग मशीन के बारे में। ये बॉस्च का वॉशिंग मशीन है जो स्पीड अप क्राइटेरिया में आता है और ये 7 kg का है, 1200 RPM का। ये फ्रंट लोडेड है और आगे इसमें अंदर देखने के लिए देखेंगे आज। तो ये स्टील का है और अच्छी क्वालिटी का स्टील वगैरह सब, रोटेटिंग बार वगैरह, और इसमें बहुत सारे फंक्शंस भी है तो एक एक करके चालू करके दिखा दे दूँगा। तो पहला वाला है वो कोल्ड है, कोल्ड में कॉटन है, जो भी कॉटन के कपड़े रहते हैं वो वॉश करने के लिए कोल्ड यूज़ करते हैं। और उसके बाद में कॉटन के लिए ही 40 डिग्री का भी यूज़ कर सकते हैं, वो दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा वाला है वो सुपर क्लीन, जो भी मतलब ज़्यादा साफ सुथरा चाहिए तो सुपर क्लीन आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या होता है, तो जो भी आपके सिंथेटिक कपड़े हैं, जो भी कॉटन नॉन कॉटन जो भी कपड़े हैं, वो अच्छे तरीके से वॉश करने के लिए सिंथेटिक यूज़ करने का। और नेक्स्ट है डेली वॉश। डेली वॉश जो भी आप डेली कपड़े यूज़ करते हो, वॉश करते हो, उसके वो कपड़े वॉश करने के लिए डेली वॉश यूज़ करने का। उसके बाद है डेलिकेट सिल्क, जो भी आपके डेलिकेट सिल्क मीन्स साड़ी, जो भी महंगे वाले कपड़े रहते हैं वो वॉश करने के लिए डेलिकेट सिल्क का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कोल्ड, वो भी ऊपर वाले कोल्ड जैसा ही है पर इसमें थोड़ा ज़्यादा अलग उसमें डिज़ाइन दिया हुआ है। उसके बाद है स्पिन ड्रम, जो भी आपको ड्रम अगर मैन्युअली घुमाना है तो वो घुमा सकते हैं, उसके लिए स्पिन ड्रम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रेंस। रेंस मतलब गर्म पानी करने के लिए, जो भी अंदर वाला मटेरियल है उसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करने का है तो उससे आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है ड्रम क्लीन, आप मैन्युअली भी अपना ड्रम क्लीन कर सकते हो। ड्रम मतलब वो जो अंदर वाला स्टील है वो, उसको ड्रम बोलते हैं, वो क्लीन करने के लिए ड्रम क्लीन यूज़ करो। उसके बाद है किड वेयर। किड वेयर के लिए मतलब जो भी छोटे बच्चों के कपड़े रहते हैं तो वो कपड़े साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एलर्जी प्लस मतलब जो भी बीमार लोगों के कपड़े हैं वो वॉश करने के लिए एलर्जी प्लस यूज़ करने। जेंटल वॉश, जो भी अगर कपड़े थोड़ा नाजुक है तो वो वॉश करने के लिए जेंटल वॉश यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है रिफ्रेश मोड, तो इसमें रिफ्रेश मोड भी है, रिफ्रेश मोड के लिए आप वो रिफ्रेश वाला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है 15 और 13, सुपर 15 और 13, जो भी आपको अगर जल्दी में कपड़े वॉश करने का है तो 15 से 30 मिनट में वॉश हो सकते हैं। इसके बाद ये है 7 kg वाला और 1200 RPM में। इसमें RPM भी दिखाता है, इसके लिए डिस्प्ले और बटन भी है, और उसके साइड में रेडी इन कितने घंटे में कितने मिनट में वो हो जाएगा वो भी दिखाएगा। स्पीड जितना है वो दिखने के लिए वहाँ पे एक बटन है, और पानी ऐड करना हो तो पानी ऐड वाला भी बटन है वाटर प्लस करके, और स्टार्ट रिलोड पॉज करने के लिए एक बटन है। और आप ये भी देख सकते हैं, ये है उसका लुक पूरी तरह। और इसमें डिटर्जेंट और जो भी लिक्विड डिटर्जेंट है वो ऐड करने के लिए ये दिया हुआ है, इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो ये है उसका रिव्यू। वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू।